अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग के बारे में सीखेंगे। पिछले लेसन के अंदर हमने की थी कॉर्नर अलॉन्ग फिंचिंग, आज हम देखेंगे कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग। पावर मिल ओपन करें। ये मेरे पास एक रफ फिंचिंग लग चुकी है इसके ऊपर, स्पॉट के ऊपर। मैं इसके ऊपर फाइनल फिंचिंग भी कर लेता हूँ, इसके ऊपर एक फिंचिंग लगा लेते हैं ताकि इसके रेडियस वगैरह के ऊपर जाकर हम दूसरी फिंचिंग लगा सकें। यहाँ पर टूल सेलेक्ट करें। अब तक आपको ये चीज़ें सारी समझ आ चुकी होंगी कि ये किस तरह से चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर इसको सेटिंग करें थोड़ी सी। ये है लिंक्स, इसको सेफ ऑन सरफेस, सेफ और इन दोनों को नान पर रहने दें। अप्लाई करके ओके कर दें। स्पायरल करें, क्लोज ऑफसेट करें, इसको करें और यह वाली वैल्यू कॉपी करके आप यहाँ पर इसको पेस्ट करें। इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर दें, 1.4 कर दें और अप्लाई कर दें। यहाँ हमारी फिंचिंग की सारी सेटिंग तकरीबन क्लियर हो चुकी है। हमने क्योंकि ये कॉर्नर पर टूल अप्लाई करना है तो इसके लिए हम एक फिंचिंग लाजमी करनी पड़ती है। सिमुलेट करें और स्टार्ट। ये अपनी सारी सेटिंग इस तरह मुकम्मल करता जाएगा। मतलब ये कि ये फिंचिंग कर रहा है, इसके बाद हम इसकी कॉर्नर मल्टी पेंसिल पहले अलॉन्ग की थी, अब हम करेंगे कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग। इसको मैं ज़रा तेज़ करता हूँ। अनड्रॉ ऑल करें और इस पर क्लिक करें। ये इसकी फिंचिंग तेज़ हो गई है, अब हमें नज़र नहीं आ रही। ये देखिए, ये तेज़ तेज़ मूव कर रहा है, कभी उधर से कभी इधर से, क्योंकि हमने यूज सेपरेट किया हुआ है इसके अंदर। ये हमारी ये सारी सेटिंग मुकम्मल हो चुकी। अब हमने फिंचिंग के अंदर दोबारा जाना है। आज हमने करनी है कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग। ये रेडिस के ऊपर भी चलती है इसके। हम यहाँ पर इससे पहले हम इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सेव कर लेते हैं, मतलब कि एक बार दफ़ा में दोबारा सेव एज को करते हैं। थ्री का नाम दे देते हैं इसको, बस। अब हम कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग यूज़ करते हैं। ये कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग है, आप देखें ये किनारे के ऊपर चलती है। इसके अंदर आए, जो हमने पिछला टूल पाथ 6 का दिया था, अब हम उसे कम टूल पाथ का इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब ये अब यहाँ पर हम टूल लेंगे 6 से कम का, मतलब अगर मैं ले लेता हूँ 4 का या 2 का ले लें, ठीक है। ये मैंने छोटा टूल ले लिया। टॉलरेंस इसकी बिल्कुल 0.01 करें, थिकनेस ख़त्म कर दें। डायरेक्शन एनी करें। आउटपुट, ये समझने वाली बात है, सुन लीजिएगा ध्यान से, ये क्या चीज़ है। कॉर्नर अलॉन्ग फिंचिंग जो पीछे हमने की है और कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग, इन दोनों के ऊपर आप शैलो क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेट पार्ट्स, शैलो पार्ट्स के ऊपर ये दोनों इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब इसका एंगल यही रहने दे, कस्व को आप यही रहने दे, ओवरलैप छोड़ दें, ये इतना ही रहने दे। आप आगे आप रेफरेंस टूल पा दें। पिछला रेफरेंस टूल पा जो हमने दिया था उसको आप सेलेक्ट कर ले फिनिशिंग के तौर पर। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहां तक हमारी होगी कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग की सारी सेटिंग। अब इसे अप्लाई करते हैं। ये ओके। अब मैं इसे थोड़ा सा इसका तब्दील कर देता हूं। अगर आप गौर करें अपने पॉट के ऊपर ये कहां कहां पर चलेगा तो आपको समझ आ जाएगी। यहां जहां पर ये ब्लू है लाइन है, ये यहाँ यहाँ पर, मतलब कि सब्ज लाइने हैं, यहाँ यहाँ पर आपका पार्ट इस पर हरकत करेगा, मतलब यहाँ पर ये चलेगा इस जगह पर जहाँ पर ये लाइन है, ठीक है। ये तो होगी कॉर्नर अलॉन्ग कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग। अब इसके आगे भी हम देख लेते हैं। आगे हम अगर चलें तो कॉर्नर स्टिच फिंचिंग के नाम से एक फिंचिंग इसके अंदर यूज होती है। यहाँ पर है कॉर्नर स्टिच फिंचिंग। कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिंचिंग और कॉर्नर अलॉन्ग फिंचिंग जो थी हमने की थी वो समझ ले इसके किनारे ऊपर चलती है जो 30 डिग्री से कम है, ठीक है। कॉर्नर स्टिच फिंचिंग जो होती है वो इसके ऊपर पॉट्स के ऊपर, मतलब कि जो फ्लैट, मतलब जो शैलो स्टीप पॉट्स हैं, स्टीप एरियाज पर, इन दोनों को चलाने के लिए कॉर्नर स्टिच फिंचिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्टिच फिंचिंग जो है स्टीप एरियाज की फिंचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं।
अब इसके ऊपर आए, अब मैं यहाँ पर टूल पाथ ले लेता हूँ, दो का ही रहने दूँ और टॉलरेंस ये रहने दें, बाकी सारी सेटिंग यही यहाँ पर ये। यहाँ पर आउटपुट में आपने कॉर्नर स्टिच फिनिशिंग के अंदर बहुत नहीं करना, शैलो भी नहीं करना, सिर्फ स्टीप करना है क्योंकि हमें स्टीप एरिया पर इसको यूज़ करना है, तो मैं इसमें स्टीप करूँगा। ये सारी सेटिंग वही रहने दें और जो आपने पिछला टूल पाथ चूज किया था उसको रेफरेंस दे दें। पिछले टूल पाथ जो क्लियर किया था उसने जो छोड़ दिया था वो कॉर्नर स्टिच फिनिशिंग में करेगा इस्तेमाल। इसको अप्लाई करें और एक्सेप्ट कर दें। अगर आप गौर करें इस पार्ट के अंदर स्टिच फिनिशिंग का मतलब कि कोई नहीं है, जो ज़्यादा कम्प्लेक्स पार्ट्स होंगे वहाँ पर स्टिच फिनिशिंग का ये टूल लगेगा। बहरहाल मैंने आपको मेथड समझा दिया, कॉर्नर अलॉन्ग फिनिशिंग और कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग जो है जो शैलो पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है, कॉर्नर स्टिच फिनिशिंग जो है वो स्टीप पार्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। आगे एक है कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग। ये जो है चीज़ कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग, अगर आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पर हमें टूल लेना है उससे छोटा, बहरहाल ये काफ़ी छोटा लगा, यही ठीक है, टॉलरेंस यही, बाकी सारी सेटिंग यही रहने दे। अब हम करें कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग, डायरेक्शन एनी रहने दें या इसे क्लिम कर दें, बल्कि क्लिम ही बेहतर है। ठीक, आउटपुट ये ऑटोमेटिक फिनिशिंग है, जहाँ पर मतलब ये कि जहाँ पर आपको स्टिच फिनिशिंग करनी, स्टीप शैलो एरिया पर चलाना है या स्टीप पर चलाना है, वहाँ पर ये मतलब कि कॉर्नर ऑटोमेटिक दोनों एरिया पर चलेगा। इसे आप बोथ पर कर दें, बाकी यही चीज़ें रहने दें और रेफरेंस टूल पाथ दें, जो आपने लास्ट टूल पाथ यूज़ किया वो दें। लिहाजा एनीवे मैं यहाँ पर लास्ट वो टूल पाथ देने लगा हूँ जो मैंने फिनिशिंग के ऑप्टिमाइज जी फिनिशिंग की थी, वो वाला टूल पाथ देने लगा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और नज़र आ जाए। इस पर क्लिक मैंने कर दिया और इसे अप्लाई करके एक्सेप्ट कर दे। ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। ये आप देखें कॉर्नर मल्टी पेंसिल ये जो है हमने अभी जिसकी सेटिंग ये कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग की, वो यहाँ यहाँ बस यहाँ पर थोड़ा सा टूल चलेगा, फिर यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चलेगा, बस इतना सा टूल चलेगा। मतलब ये कॉर्नर की 5 टाइप्स हैं, मैं आपको बताता चलूँ। कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग में रेडियस और किनारों पर अक्सर मटीरियल जो रह जाता है वो हमने पहले सीखा था, कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग में उसे रिमूव किया जाता है, ठीक है, बाल नोज टूल के ज़रिए। उसके बाद हमने दूसरी फिनिशिंग की थी कॉर्नर अलॉन्ग फिनिशिंग। कॉर्नर अलॉन्ग फिनिशिंग में मिनिमम रेडियस को चेक करना लाजमी होता है, रेफरेंस टूल पर दिया जाता है, वो सारी वही सेटिंग है, इतनी कोई खास इसमें चीज़। उसके बाद कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग आवाज हमने सीखी है, जहाँ पर पिछला रूफ मल्टी पेंसिल फिनिशिंग के अंदर आपने इसके अंदर जाकर शैलो पार्ट्स को सिलेक्ट करना होता है, तब जाकर कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा है कॉर्नर स्टिच फिनिशिंग की है, स्टिच फिनिशिंग के अंदर जो स्टीप एरियाज है वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग, मतलब ये ऑटोमेटिक फिनिशिंग भी होगी हमारी, कॉर्नर पेंसिल फिनिशिंग भी हो गई, कॉर्नर स्टिच फिनिशिंग भी हो गई और कॉर्नर अलॉन्ग फिनिशिंग। बाकी एक रहेगी कॉर्नर मल्टी पेंसिल फिनिशिंग, कॉर्नर ऑटोमेटिक फिनिशिंग, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करेंगे। अगर इसमें कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।